फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है स्पर्मियोसिस। ठीक है, इससे पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था स्पर्म कैसे बनते हैं, ठीक है जी, स्पर्मोजेनेसिस में। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो स्पर्मेटिड बनता है, ठीक है, मियोसिस के दौरान जब स्पर्मोब्लास्ट, ठीक है, डिवाइड करते हैं मियोटिकली और चार स्पर्मेटिड बनते हैं, तो वो स्पर्मेटिड आके स्पर्म में कैसे बदलते हैं, उसके अंदर कौन सी मॉडिफिकेशन आती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो जैसे कि हमने लिखा हुआ है स्पर्मियोसिस, ये प्रोसेस क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, ठीक है जी, ये प्रोसेस है किसका, मॉडिफिकेशन का। कुछ तब्दीलियां आएंगी, कुछ बेहतरी आएगी, कुछ नहीं है। द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू स्पर्म, ठीक है जी। तो बेसिकली जो स्पर्मियोसिस है उसकी डेफिनेशन क्या है, ये प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन है, ठीक है जी। इसमें मॉडिफिकेशन आती है, तब्दीलियां आती है, किस में, स्पर्मेटिड में, ठीक है जी, किस में जी, एक हैप्लॉइड स्पर्मेटिड में, जो कि स्पर्मियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान, स्पर्मोजेनेसिस, ठीक है जी, गैमेटोजेनेसिस जो मेल में होती है उसे कहते हैं, उस दौरान एक स्पर्मेटिड बनता है, एक डिप्लॉयड सेल चार हैप्लॉयड सेल में बदलता है। हम यहां पे सिर्फ एक हैप्लॉयड सेल के लिए ऐसे बात करूं, और वो स्पर्मेटिड किस में बदल जाएगा जी, दे चेंज इनटू स्पर्म, ठीक है जी, स्पर्मेटिड चेंज इनटू स्पर्म, वो स्पर्म में बदलता है। अब मॉडिफिकेशन जो हमने यहां पे लिखी है वो कौन कौन सी आएंगी, तो जैसा कि यहां पे हमने एक रफ सा मॉडल बनाया कि एक स्पर्मेटिड क्या होता है, क्योंकि ये सेल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो इट इज अ राउंड शेप। उस स्पर्मेटिड के अंदर कौन सी चेंजेस, कौन सी मॉडिफिकेशन आएगी कि वो किस में बदल जाएगा, स्पर्म में। तो वो मॉडिफिकेशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर को चेंज किया जाएगा, इसके साइटोप्लाज्म की कंपोजिशन को थोड़ा सा चेंज किया जाएगा, और न्यूक्लियस जो इसके अंदर है उसके साइज को चेंज किया जाता है। अब इसमें बेसिकली मॉडिफिकेशन नंबर वन क्या जी, इसमें हेड वो बनता है, ठीक है जी, देन इसकी नेक, देन इसका मिड पीस, ठीक है जी, जिसे हम लोग मिडल पोर्शन भी कहते हैं, वो बनता है, और एट द एंड जो कि किसी स्पर्म की एग तक जाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कौन सी चीज है जी, इट इज कॉल्ड टेल। तो वो जो मॉडिफिकेशन की हम लोग बात करें, ये चार चीजें बनेंगी किस में, इस स्पर्मेटिड में, इस स्पर्मेटिड के अंदर ये तब्दीली, ये मॉडिफिकेशन आएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है जी, तो एक स्पर्मेटिड का, ठीक है, राउंड शेप स्ट्रक्चर से कुछ इस तरह की शेप में बदल जाना। इस प्रोसेस में इसके अंदर हेड डेवलप होता है, ठीक है जी, देन इसकी नेक, देन उसके बाद हम लोग इसके मिड पोर्शन की बात करते हैं, और एट द एंड इसकी टेल। तो ये जो प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन होगा इसे हम लोग स्पर्मियोसिस कहते हैं। अब इसके अंदर जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है जी, आज हम लोग जो टॉपिक पे बात करेंगे वो सिर्फ हेड के ऊपर होगा कि एक स्पर्मेटिड के अंदर हेड कैसे बनता है, और अगर हेड की आगे कितने पार्ट हो सकते हैं, उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके साथ क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं, हम लोग सबसे पहले हेड की तरफ आते हैं। तो जो हेड होता है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है जी, हेड को हमने मजीद दो पार्ट में डिवाइड किया, वो कौन कौन सा, एक है इसकी कैप और दूसरा इसका बेसल पोर्शन, ठीक है जी। हेड जो है वो कितनी चीजों से, कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, दो पार्ट है, नंबर वन कैप और नंबर टू बेसल पोर्शन। कैप जिसका दूसरा नाम एक्रोसोम भी है, ठीक है जी। तो आज हम बेसिकली हेड के ऊपर ही बात करने वाले हैं कि ये बेसल पोर्शन और कैप बेसिकली है क्या, और इस राउंड स्फेरिकल से ये कैसे बदलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी बेसल पोर्शन, ठीक है जी, हेड का जो बेसल पोर्शन है वो क्या है। तो
तो जो हेड का बेसल पोर्शन होता है, ठीक है, यहां पे हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है जी, तो ये हम लोग फर्ज कर लेते हैं कि एक स्पर्म का हेड पोर्शन है। इसके अंदर यहां से लेके यहां तक का इतने से को हम लोग पढ़ रहे हैं बेसल पोर्शन ऑफ हेड। अब ये जो बेसल पोर्शन होता है इसके अंदर दो ही चीजें आती हैं, नंबर वन है साइटोप्लाज्म और नंबर टू न्यूक्लियस। ठीक है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस ये दो चीजें मिलके स्पर्म के हेड का बेसल पोर्शन बना रही हैं, जो हम लोग कह सकते हैं मेजोरिटी पार्ट ऑफ हेड है वो बना रही होती हैं। अब इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर इतनी चेंजेस नहीं आती जितनी न्यूक्लियस के अंदर आनी है। वजह, ये जो साइटोप्लाज्म होगा स्पर्म होगा इसने ट्रैवल करना है। ठीक है जी, ये अगर एक्वेटिक सिस्टम है तो इसने वाटर मीडियम से ट्रैवल करके जाना है आगे तक, और अगर ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन की कंडीशन है, ठीक है, जैसा कि ह्यूमन में, मैमल्स में या नॉर्मली एनिमल्स में होती है, तो उसमें क्या होता है, एक स्पर्म ने फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक से गुजर कर, ठीक है जी, फ्लोपियन ट्यूब तक जाना है जहां पे फर्टिलाइजेशन होगी, तो उसके लिए स्पर्म का हैवी होना बहुत नुकसानदेह होगा। ठीक है, अगर स्पर्म ज्यादा हैवी है तो ये मोबिलिटी इसकी कम कर देगा। तो लिहाजा स्पर्म के अंदर कुछ ऐसी चेंजेस की जाती है हेड पोर्शन और इसके न्यूक्लियस पोर्शन में कि इसका वेट कम किया जाए, लाइट वेट हो, ताकि ये इजीली मोबाइल कर सके, फास्ट मूव कर सके। उसमें जो ज्यादातर मसला जो मॉडिफिकेशन है वो इसके अंदर एक बल्की न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आती है। अब ये जो न्यूक्लियस के अंदर मॉडिफिकेशन है, सबसे पहले क्या होगा जी, जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल होगा वाटरी मटेरियल, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियोप्लाज्म होगा उसमें से रिमूव किया जाएगा वाटर। ठीक है जी, सबसे पहले क्या होगा, वाटर को रिमूव किया जाएगा। जैसे ही वाटर रिमूव होगा तो ऑटोमेटिकली जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म की कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर के रिमूव होने से क्या होगी, कम हो जाएगी, इसका साइज थोड़ा सा कम होगा। इसी दौरान दूसरा प्रोसेस क्या किया जाता है जी, डीएनए उसको हाईली, या आप कह सकते हैं सुपर कॉइल हो जाते हैं, उसकी कंडेंसेशन बढ़ जाती है, ताकि डीएनए जो फैला हुआ है क्रोमेटिन की फॉर्म में अगर वो जगह घेर रहा है तो उसकी कंडेंसेशन उसे थोड़ा सा कम किया जाता है, ताकि कंपैरेटिवली वो कम जगह घेरे। इसके साथ साथ जाहिर सी बात है हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर आरएनए भी बनता है, तो जो आरएनए बन रहा होगा उसकी भी कंडेंसेशन बढ़ जाएगी। ठीक है जी, जो आरएनए होगा वो भी क्या होगा, काफी ज्यादा कंडेंस होगा। तो न्यूक्लियस के अंदर इन तीनों चीजों की वजह से क्या होगा जी, वाटर के रिमूव होने से, डीएनए की जो सुपर कॉइलिंग हो जाती है, जो क्रोमेटिन मटेरियल बिखरा पड़ा उसे थोड़ा सा कंडेंस कर दिया जाता है, और जो आरएनए ये भी कंडेंस होता है। इस दौरान ये जो न्यूक्लियस था बल्की, इसका साइज कम होता है और ये श्रिंक होके एक स्मॉल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस की शेप भी डिपेंड करती है। ठीक है जी, इस न्यूक्लियस की क्या जी, शेप भी मैटर करती है, और ये एनिमल टू एनिमल वेरी करती है। फॉर एग्जांपल मैमल की बात कर लेते हैं, जैसा कि इंसान, ह्यूमन और बुल, ठीक है, ह्यूमन और बुल के अंदर जो स्पर्म जो न्यूक्लियस की शेप होती है ये होती है ओवॉइड। ठीक है, ये ओवॉइडल शेप होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं रोडेंट और एम्फीबियंस की, ठीक है जी, रोडेंट और अफीबियन के अंदर जो स्पर्म होता है उसके न्यूक्लियस की जो शेप होती है वो स्कीमेटर होती है। ठीक है जी, स्कीमेटर होती है। इसी तरह बर्ड्स की बात करते हैं तो जो बर्ड्स हैं इनके अंदर जो न्यूक्लियस की शेप होती है स्पर्म की वो ट्विस्टेड होती है। ठीक है जी, ट्विस्टेड स्पाइरल होती है। इस तरह जी डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट स्पीशीज टू स्पीशीज स्पर्म की जो शेप है वो वेरी करती है। उसकी वजह जो स्पर्म की शेप होगी, उसके हेड की शेप है, वो कंट्रोल की जाएगी विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जिस तरह की शेप होगी स्पर्म के हेड की भी तकरीबन उसी शेप में होती है। जैसे कि मैमल में हमने अवॉइडेड कहा तो थोड़ी सी पॉइंटेड है, लिहाजा ये पूरा जिसे हम लोग कहते हैं स्फेरिकल नहीं है, थोड़ा सा जिसे आप लोग कहते हैं राउंड है और पॉइंटेड हेड है।
इस तरह ट्विस्टेड होगा, बर्ड्स के अंदर स्किमेंटर होगा, रोडेंट्स और एम्फीबियंस के अंदर। अच्छा जी, अब जो दूसरा बेसल पोर्शन के बाद हमने बात की हेड है वो क्या जी, उसके अंदर जो दूसरा पोर्शन उसे हम लोग कहते हैं कैप, जो कि ये वाला पोर्शन है, इसे नॉर्मली हम लोग एक्रोसोम के नाम से पढ़ते हैं। अब जब मॉडिफिकेशन हो रही होती है, स्पर्मियोसिस हो रही होती है, तो ये हेड डेवलप नहीं होता है, इसे बनाना पड़ता है। और नॉर्मली एमसीक्यू आता होता है, ये जो एक्रोसोम होता है ये दे आर ड्रैग्ड फ्रॉम गॉल्जी अपरेटस, ठीक है जी, जो हेड होता है इसे हम लोग किससे ड्राइव करते हैं, दे आर ड्राइव फ्रॉम गॉल्जी अपरेटस। अब क्या होता है, मॉडिफिकेशन के दौरान बहुत सी गॉल्जी अपरेटस न्यूक्लियोसोम के इंटीरियर पोर्शन की तरफ एग्रीगेट करती हैं, ठीक है। गॉल्जी अपरेटस क्या होता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, फर्ज करते हैं हम लोग इसे कुछ देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि ये नहीं बना, अभी इसने बनना है, ठीक है। मॉडिफिकेशन के दौरान बेसल पोर्शन से एक्रोसोम ने बनना है, किस तरह जी, सबसे पहले क्या होगा, जितनी भी गॉल्जी अपरेटस होंगी स्पर्म के हेड के अंदर वो सारी एग्रीगेट होंगी इंटीरियर पोर्शन के ऊपर, ठीक है जी, और किसके, बिल्कुल स्पर्म के सामने जो इंटीरियर पोर्शन होगा यहां पे, ठीक है जी, यहां पे क्या होगी, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। इसी दौरान जो गॉल्जी अपरेटस की हम लोग अगर शेप की बात करें तो वो कुछ इस शेप में होती है, ठीक है जी। इस गॉल्जी अपरेटस के दरमियान जो इसकी मेम्ब्रेन्स होंगे, मेम्ब्रेनल चैनल, इनके दरमियान वैक्यूल आ जाएगा, इनके दरमियान क्या आ जाएंगे जी, वैक्यूल आ जाएंगे। ये वैक्यूल क्या करेंगे, वाटर और दूसरे न्यूट्रिशंस को अब्सॉर्ब करेंगे, गॉल्जी अपरेटस के चैनल में जो मटेरियल उसको अब्सॉर्ब करने की कोशिश करेंगे और इनका साइज फैलेगा, ठीक है, ये फैलेंगे। जैसे ये साइज में फैलना शुरू करेंगे, ये गॉल्जी अपरेटस की मेम्ब्रेन को भी थोड़ा सा फैलाना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह ये इकट्ठे होते 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 क्या होता है जी, एक मेम्ब्रेनल स्ट्रक्चर बनता है। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है कि जो वैक्यूल इनके अंदर आ जाते हैं मेम्ब्रेनल चैनल में और ये फूलते हैं, तो एक पॉइंटेड सरफेस बनती है, इस पॉइंटेड सरफेस को हम लोग कहते हैं प्री एक्रोसोमल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। और ये पॉइंटेड हेड क्या होता है, बाद में मजीद इनलार्ज होके बिल्कुल पॉइंटेड हेड बन जाता है जिसमें क्लियरली नजर आ रहा होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है प्री एक्रोसोमल स्ट्रक्चर के इनलार्ज होने से वो स्ट्रक्चर डेवलप्ड एक्रोसोम या द कैप ऑफ अ स्पर्म हेड कहलाता है, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम लोग देखते हैं, ये एक्रोसोम है, अगर हम लोग इसकी कंपोजिशन की बात करें तो नॉर्मली ये जो एक्रोसोम होता है इसका काम होता है पेनिट्रेट करना, धंस जाना है, किसके अंदर, ये जो मेम्ब्रेन होगी एग की उसके अंदर, उसे रप्चर करके ये अंदर धंसेगा ताकि न्यूक्लियस और जो इसका मटेरियल होगा वो एग के साथ जाए, एग के अंदर जाए और न्यूक्लियस के साथ, जो एग का न्यूक्लियस है उसके साथ बाइंड करे। अब मेम्ब्रेन जो होती है, ठीक है जी, वो लिपिड बाय लेयर की होती है, तो इसके अंदर जो पेनिट्रेशन अपरेटस होगा वो बेसिकली एंजाइम्स के ऊपर मुश्तमल होगा, उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो क्या करेंगे जी, सेल मेम्ब्रेन एग की थोड़ी सी रप्चर करेंगे ताकि स्पर्म उसके अंदर पेनिट्रेट कर सके। तो इसकी कंपोजिशन के लिए ऐसे इसके अंदर होता है प्रोटीएस, ठीक है जी, लाइसोसोम्स, ठीक है जी, और लाइपेस भी कहा जाता है, लेकिन क्योंकि लाइसोसोम आ गया तो लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स का कलेक्शन मौजूद होता है जो कि मेंटेन होता है लेटेंसी प्रोसेस के जरिए, तो लिहाजा प्रोटीएज और लाइसोसोम ये दो एंजाइम्स होते हैं जो क्या करते हैं जी, एक्रोसोम के हेड में होते हैं, और ये आए कहाँ से हैं, गॉल्जी अपरेटस से, ठीक है। तो इस तरह ये एंजाइम जैसे ही कोई स्पर्म जाके हेड के एग के साथ टच करता है, एक्रोसोम से ये एंजाइम क्या करते हैं, उस एग के स्मॉल पोर्शन को डिजॉल्व करते हैं और ये अंदर पेनिट्रेट कर जाता है।